तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब स्टोरी में। दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है बिहार पुलिस की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपको पेपर कटिंग दिख रहा है इसमें आपको क्या बताया जा रहा है मैं आगे आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसमें आपको टोटल 35,000 मिल जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स कब से अप्लाई होगा पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स एक बात और आपको बता दें कि अगर आपने बिहार पुलिस का फॉर्म भरना है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला था, बिहार पुलिस रिक्रूटमेंट 2019 यहाँ पर देख सकते हैं, इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और आपसे स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बात कर लेता हूँ। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो पेपर का कटिंग, ये आप देख रहे हैं। इसमें आपको क्या बताया जाए, जो मेन मेन टॉपिक है मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाए देखने को, सबसे पहले पुलिस में खाली पदों को 2020 तक हर हाल में भरना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जो बिहार पुलिस में खाली पद है उसको 2020 तक हर हाल में भरना होगा, ये कोर्ट का आदेश है। इसमें आगे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है मैं आपको इसको पढ़ पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ टोटल पद के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अवर निरीक्षक के लिए आपको 4,586 पद मिल जाएंगे। वहीं फ्रेंड्स हम बात कर ले सिपाही के लिए तो 22,655 पद मिल जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम आपसे बात कर लेते हैं सिपाही चालक के लिए, तो आपको 2,039 टोटल पद मिल जाएंगे। ये लगभग आपको 30,000 पद हो रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आगे मैं इसके बाद यहाँ पे बात कर लेता हूँ सिपाही, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पुलिस, और आगे बताया जा रहा है महकमे के खाली पद को लेकर पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जाहिर की। जी हाँ फ्रेंड्स, कोर्ट ने साफ कहा कि हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वर्ष 2020 तक पुलिस महकमे के रिक्त पड़े सभी पदों को भरना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जितने भी पद हैं रिक्त खाली पड़े पद हैं उसको 2020 तक भरना होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों का इंतजार बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, 2020 से पहले ही इस वैकेंसी आ जाएगी। और कैसे अप्लाई करना होगा, कब वैकेंसी आएगी आगे मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद फ्रेंड्स आगे आपको बताया जा रहा है, भले ही सरकार को इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कोर्ट ने राज्य को मुख्य सचिव और डीजीपी से 13 अगस्त को उपस्थित होकर यह बताने को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद पुलिस के खाली पदों को भरे जाने के लिए क्या हाल हो रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फिर 13 तारीख को आपको बता दिया जाएगा, 13 तारीख को कन्फर्म कर दिया जाएगा कि कब आपका वैकेंसी आएगी, कब क्या होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताया जा रहा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं इस मामले को अगले सुनवाई 13 अगस्त को होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस मामले का जो अगला सुनवाई होगा 13 अगस्त को आपको कंफर्म हो जाएगा। 13 अगस्त को आपको खुशखबरी मिलने वाली है कि कब आपका वैकेंसी आएगी, कब से होगा अप्लाई ऑनलाइन, पूरी जानकारी आपको 13 अगस्त को दी जाएगी। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बहुत सारे बात बताई गई, क्योंकि अगर आपको पूरी बताएं तो फ्रेंड्स इसे बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके इसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही।